सबसे पहले आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं, वो गोर गरीब लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। स्कीम्स इतनी है गवर्नमेंट की कि आपको किधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब है कि आप तक स्कीम कौन पहुंचाए। मालिक ने आप लोगों की आशीर्वाद और दुआ से मुझे यहाँ वापस भेजा है। अभी जो भी स्कीम्स होगी, मैंने 25 लड़कियों को रखा है एक एक के घर में जाने के लिए कि उनके घर में गवर्नमेंट की कौन सी योजना दे सकते हैं ताकि उनका परिवार अच्छे से चल पाए। आने वाले वक्त में एक साल के अंदर आप लोगों को गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, और इतनी सारी स्कीम्स हैं ना, तो आपको घर से बाहर हर चीज़ घर बैठे मिलनी चाहिए। मोदी सरकार ने ये स्कीम्स दी हुई है, मोदी सरकार ने ये स्कीम दी हुई है, और हमारी महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे जी, उनके तरफ से भी बहुत स्कीम है, मगर आप लोगों को पता नहीं है, आप लोगों को ज्ञान नहीं है। अब आप मेरे ऊपर भरोसा रखें। आज अगर मैं यहाँ आप लोगों के बीच में हूँ, मुझे जो सजा लगी थी वो सजा आज जीवन लगी थी। जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक जेल में ही रहूँगा, मगर छूट के बाहर आया हूँ। उसका कारण आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की आशीर्वाद अभी यहाँ पर मालिक ने भेजा है। अभी आप आराम से रहेंगे। सरकार की स्कीम्स हैं, उद्धव सरकार की, महाराष्ट्र के उद्धव सरकार शरद पवार साहब की जो भी स्कीम्स हैं, वो आपको मैं घर बैठे भेजने वाला हूँ मेरे लोगों को, और वो स्कीम आपको मिलेगी। यही मैं आप लोगों के सामने दो शब्द बोलना चाहता हूँ। बापू जी हमारे आज अंदर है, उसका मुझे बहुत दुख है। शायद मैं बापू जी को क्या किस तरह से मदद कर सकता हूँ। मालिक ने मुझे यहाँ रखा है, बापू जी के लिए भी मैं पूरी कोशिश करूँगा, उनके लोगों के साथ में संपर्क में रहूँगा। के हिसाब से पूरे शहर में मनाई जा रही है। अभी आपने सुना किस प्रकार से केंद्र सरकार की योजनाएं, मोदी जी की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। कुछ बातों की आपको जानकारी होगी, कुछ की नहीं है, पर उनके लिए वो रखी हुई है, वो आप तक पहुंचनी चाहिए, ये आपका अधिकार है। हमारे यहाँ संत श्री आश्रम बापू जी के आश्रम में बापू जी के प्रेरणा से हर बरस हम लोग दिवाली का पर्व मनवाते हैं, उनको भंडारा देते हैं, और हर महीने 300 विधवाओं को राशन देते हैं। आज धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर हम लोगों ने ये भंडारा रखा है। कम से कम अभी भी ये 300 महिलाएं आई हैं, इनको हम भंडारा कर रहे हैं। संत श्री आशाराम बापू जी आश्रम शिवानी उल्लासनगर से बोल रहे हैं। ये हमारा भंडारा बापू जी ने 30 वर्षों से चालू करवाया हुआ है, आदिवासी भंडारा और विधवाओं का, जो 300 लोगों का हम भंडारा करते हैं हर साल, और इस वर्ष भी हम धूमधाम से ये भंडारा कर रहे हैं सतगुरु देव परमात्मा की प्रेरणा से। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभेच्छा। ये हम हर साल सतगुरुदेव की प्रेरणा से ज़रूरतमंदों में, आदिवासियों में, और जो यहाँ हर महीने विधवा बहनें आती हैं उनमें ये भंडारा करते हैं, और यहाँ जितने भी नेतागण आए हैं उन सभी को भी धन्यवाद है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।